हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक नए वीडियो के साथ मिल रहे हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे रूल ऑर्डरिंग की। सो बेसिकली इसमें फाइव आपके रूल्स मिलेंगे रूल ऑर्डरिंग के। आपके पहला जाएगा फीडिंग ऑर्डर, ब्लीडिंग ऑर्डर, पार्शियल ऑर्डरिंग, कंजक्टिव ऑर्डरिंग एंड डिसजंक्टिव ऑर्डरिंग। सो रूल ऑर्डरिंग की बात कर लेंगे। सो फोनोलॉजिकल रूल्स आर ऑर्डर्ड रूल। तो जो भी हमारे फोनोलॉजिकल रूल्स हैं वो आपके एक ऑर्डर्ड रूल होते हैं, मतलब एक ऑर्डर फॉर्म में होते हैं। सो दी ऑर्डरिंग इज़ इम्पॉर्टेंट एज दिस डिटरमाइंस द प्रोडक्ट। तो एक तरह से ये जो ऑर्डरिंग है वो इम्पॉर्टेंट होता है हमारे प्रोडक्ट को डिटरमाइन करने के लिए। सो दी आउटपुट ऑफ अ रूल मे बी द इनपुट ऑफ अनदर रूल। तो एक ऐसा ऑर्डर आप फॉलो होता है इसमें कि एक रूल का जो आउटपुट है वो दूसरे रूल के इनपुट की तरह काम करता है। ठीक है, सो सबसे पहले बात करेंगे फीडिंग ऑर्डर की। नाम से समझ में आ रहा है फीड करना। ठीक है, तो देखिए समझिएगा, इफ द आउटपुट ऑफ वन रूल, ठीक है, अगर एक रूल का जो आउटपुट निकलता है इंक्रीजेस द नंबर ऑफ आइटम्स टू विच द सेकेंड रूल कैन अप्लाई पॉसिबली बी अप्लाइड, देन दे आर सेड टू बी अ फीडिंग ऑर्डर। फीड करना मतलब जिसमें हम फीड कर रहे हैं, इंक्रीज हो रहा है। मतलब अगर आपके पास कोई दो रूल है, ठीक है, उसमें से पहला जो रूल है, पहला रूल अगर हम पहले रूल का जो आउटपुट निकलता है, ठीक है, पहले रूल का जो आउटपुट निकलता है वो क्या करता है, सेकेंड रूल को अप्लाई करने के लिए जो पॉसिबिलिटी है वो उसको बढ़ा देता है, अगर इंक्रीज अगर करता है तो वो आपके फीडिंग ऑर्डर कहलाता है। ठीक है, बहुत ईजिली है, एक बार और समझिएगा। इफ़ द आउटपुट आउटपुट ऑफ द वन रूल इंक्रीजेस, ठीक है, नाम ध्यान से सुनिएगा, इंक्रीज कर रहा है ये, इंक्रीजेस द नंबर ऑफ आइटम्स टू विच द सेकेंड रूल कैन अप्लाई, देन दे आर सेड टू बी अ फीडिंग ऑर्डर। ठीक है, दूसरा इसका अपोजिट है ब्लीडिंग ऑर्डर। सो इसमें क्या करेगा, इफ द आउटपुट ऑफ वन रूल डिक्रीजेस, ठीक है, क्या करता है, डिक्रीज करता है द नंबर ऑफ द आइटम्स टू विच द सेकेंड रूल कैन अप्लाई। तो इसमें जो भी आपका आउटपुट निकलेगा उसमें आइटम्स जो होंगे उसके नंबर कम होंगे एंड जिससे जो सेकेंड रूल है वो अप्लाई हो सके, सो देन दे आर सेट टू बी अ ब्लीडिंग ऑर्डर, जस्ट अपोजिट ऑफ फीडिंग ऑर्डर। ओके, नेक्स्ट इज पार्शियल ऑर्डरिंग। पार्शियल ऑर्डरिंग, सो टू रूल्स आर सेट टू बी ऑर्डर्ड इफ, ध्यान से सुनेगा, इफ एन अल्टरनेटिव ऑर्डरिंग लीड्स टू अ डिफरेंट आउटपुट। क्या होता है इसमें, इफ़ एन अल्टरनेटिव ऑर्डरिंग, जो अल्टरनेट ऑर्डर आपको दिखेगा वो क्या करेगा, अलग अलग आउटपुट को लीड कर रहा होगा। सो इफ़ ऑल ऑर्डर्स रिजल्ट इन द सेम डेराइव्ड फॉर्म, तो जो भी ऑर्डर रहेंगे अगर वो सेम रिजल्ट को डेराइव करते हैं, देन द रूल्स आर नॉट रियली ऑर्डर, तो वो एक तरह से आपके रूल को सही तरीके से ऑर्डर नहीं कर रहे हैं, एंड सच टाइप ऑफ ऑर्डरिंग इज कॉल्ड पार्शियल ऑर्डरिंग। पार्शियल मतलब अगर अच्छे से होता तो फीडिंग या ब्लीडिंग होता, इसमें क्या है, अच्छे से नहीं कर रहा, दो रूल आप अप्लाई कर रहे हो अल्टरनेटिंग ऑर्डर में और जो आउटपुट है वो, जो रिजल्ट है वो डिराइव नहीं होता सेम, तो वो आपके पार्शियल ऑर्डरिंग में आएगा। कंजंक्टिव ऑर्डरिंग क्या है, इफ़ टू रूल्स आर इन कंजंक्टिव ऑर्डरिंग देन बोथ द रूल्स आर कैन बी अप्लाई टू द सेम डेरिवेशन। अब कंजंक्टिव है मतलब साथ साथ दो रूल चल रहे हैं और साथ ही हमारा डेरिवेशन सेम डेरिवेशन पे ही अप्लाई हो रहा है, सो दे कैन बी अप्लाई टुगेदर टू द सेम कॉन्टेक्स्ट, एक ही सेम कॉन्टेक्स्ट में और एक साथ ही अप्लाई कर पा रहे हैं, इसलिए इसको कंजंक्टिव कहते हैं। कंजंक्टिव का मतलब यह जुड़ना है ना, दो चीज़ें जुड़ रही हैं, दो रूल्स जुड़ रहे हैं और सेम डेरिवेशन को अप्लाई हो रहा है और रिजल्ट भी हमारा सेम आ रहा है या कॉन्टेक्स्ट के लिए, सेम कॉन्टेक्स्ट के लिए यूज़ कर पा रहे हैं, सो कंजंक्टिव ऑर्डरिंग ये होगा। सो फॉर एग्जाम्पल इन फ्रेंच, फ्रेंच में एग्जाम्पल है, अ कॉन्सोनेंट इज डिलीटेड इफ इट इज फॉलोड बाई अ मॉर्फिम बाउंड्री और अ वर्ड बाउंड्री। तो जैसे एग्जाम्पल में कॉन्सोनेंट्स, वहाँ कॉन्सोनेंट डिलीट होता है जब अगर कोई भी मॉर्फिम का जो बाउंड्री है या वर्ड बाउंड्री है वो फॉलो करता है, ठीक है, फॉलोड बाई अ, अगर वो कॉन्सोनेंट क्या है फॉलो करता है मॉर्फिम बाउंड्री या वर्ड बाउंड्री को, तो वहाँ से कॉन्सोनेंट डिलीट हो जाता है, ये है कंजक्टिव ऑर्डरिंग। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं पैटिट प्लस ज, ये साउंड है, और इट गोइंग टू बी चेंज, लाइक
देखिए यहाँ पे हमारा क्या चीज़ चेंज हुआ है, ये जो ज़ साउंड है यहाँ पे ये डिलीट हो गया है। तो यहाँ पे दो चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, यहाँ पे ये टा साउंड, यहाँ पे ग साउंड, और यहाँ पे आपके जो ज साउंड है वो यहाँ पे डिलीट हो गया है। सो नोट दैट प्लस इंडिकेट द मॉर्फिम बाउंड्री, यहाँ पे प्लस जो है वो आपका क्या है, मॉर्फिम बाउंड्री को दर्शा रहा है, जो हैज़ है वो इंडिकेट्स दी वर्ड बाउंड्री, वर्ड बाउंड्री को दर्शा रहा है। तो यहाँ पे एक क्या है आपके मॉर्फिम बाउंड्री, यहाँ पे आपका दे दिया वर्ड बाउंड्री, अगर दोनों के बीच में अगर कोई कॉन्सोनेंट आता है तो वो क्या हो जाता है, डिलीट हो जाता है। सो द कॉन्सोनेंट एंड द इन दी अबव एग्जाम्पल आर डिलीटेड इन दी सेम डेरिवेशन। सो यहाँ पे दो चीज़ें आपके, टा भी यहाँ पे डिलीट हो गया है और ज भी डिलीट हो गया है, क्योंकि एक मॉर्फिम बाउंड्री में है और एक वर्ड बाउंड्री में है। सो डेरिवेशन इज दी फॉलोड बाय दी मॉर्फिम बाउंड्री एंड दी वर्ड बाउंड्री रिस्पेक्टिवली। सो ये था आपके आपके कंजक्टिव ऑर्डरिंग में। अब दूसरा चीज़ डिसजंक्टिव ऑर्डरिंग, उसका अपोजिट है। सो इफ़ टू रूल्स आर इन डिसजंक्टिव ऑर्डरिंग देन ओनली वन रूल आउट ऑफ दी ऑर्डर सेट विल बी एवर अप्लाई फॉर दी वन फॉर्म। तो देखो नाम से समझ में आ रहा, कंजक्टिव में क्या है, दोनों रूल अप्लाई हो जाते थे, दोनों रूल अप्लाई हुआ, दो कॉन्सोनेंट डिलीट हो गए। लेकिन यहाँ पर डिसजंक्टिव में दो रूल होंगे, लेकिन उसमें से सिर्फ एक रूल ही उसमें सेट होगा और उस फॉर्म में ये अप्लाई हो पाएगा। सो एग्जाम्पल दी ऑर्डर्ड रूल्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ये एक तरह से एक्सक्लूसिव होते हैं और इसमें से दो रूल में से सिर्फ एक रूल को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये था और जो भी रूल ऑर्डरिंग के रूल्स हैं, एंड ये पांच रूल ही बहुत इंपॉर्टेंट है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट करें। थैंक यू।